मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल हुए। अशोक गहलोत ने राजघाट पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और कहा कि नागरिकता कानून के कारण लोकतंत्र खतरे में है, पीएम मोदी इसे लेकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र का एजेंडा आरएसएस का एजेंडा है, वो देश को बांटना चाहते हैं और इस बीच हम उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं, पूरा देश उनका मुकाबला करने को तैयार है। और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में नागरिकता कानून लागू नहीं करेंगे। चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र का मुकुटा लगा करके सत्ता में आए हैं, इसीलिए आज जो कुछ देश में हो रहा है, भय का, हिंसा का माहौल है, लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं एनआरसी को लेकर के, चर्चा भी नहीं हुई, लागू नहीं कर रहे हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। और दूसरी तरफ यहां के गृह मंत्री जिस रूप में 4 महीने चिल्ला रहे थे पूरे मुल्क में, एक एक राज्य में हम लोग लागू करेंगे एनआरसी को, तो पूरा देश समझ सकता है ये इस पूरे मुल्क को कहां ले आना चाहते हैं, किस प्रकार देश को बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पर। इनका एजेंडा जो है, जो आरएसएस का एजेंडा है, ये मुल्क कभी स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, इनको खुल के कहना चाहिए।